मंडावली थाना क्षेत्र के जंगल में चीतल का शिकार कर रहे तीन शिकारियों को पुलिस ने चीतल के मांस व अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को सूत्रों से पता चल रहा था कि शिकारी आए दिन जंगल में जाकर अवैध तरीके से चीतल का शिकार कर रहे हैं। पुलिस को आज मुखबिर से सूचना मिली कि आज शिकारी चीतल का शिकार करने जा रहे हैं। उधर पुलिस ने शिकार करने आए शिकारी के तीन लोगों को चीतल के मांस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों शिकारी पिछले काफी समय से जंगल में लगातार चीतल का शिकार कर रहे थे। पुलिस को बिजनौर के सहानपुर क्षेत्र के गुलाबबाली के जंगल में कुछ शिकारियों के शिकार करने की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जंगल में घेराबंदी करते हुए राइफल, बंदूक और छुरी के साथ शिकारियों को पकड़ लिया। ये तीनों शिकारी नईम सहनवाज और यूसुफ काफी दिनों से जंगल में चुपचाप शिकार कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और शिकारियों में मुठभेड़ भी हुई, जिसका फायदा उठाकर दो शिकारी फरार भी हो गए। लेकिन पुलिस ने शिकारियों के पास से बड़ी संख्या में चीतल का मांस भी बरामद किया है और तीनों शिकारियों को कई संगीन धाराओं में जेल भेज दिया है। उधर इस मामले को लेकर बिजनौर SP सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को कड़ी धाराओं को लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। मंडावली के थाना क्षेत्र में ग्राम गुलाबी के निकट जंगल में तीन शिकारियों को नईम शाहबाज का बंदूक की गोली से शिकार किया था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी बंदूक, एक तमंचा, चार जिंदा कारतूस, दो पंखे और साथ में चिकन की बरामदगी की गई है। पुलिस से पुलिस इनकी मुठभेड़ हुई, जिसके क्रम में 307 कारतूस का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ दो वन्य जीव